हेलो दोस्तों, आज जो मैं दिखाने वाला हूँ यह है एक पावर सप्लाई बोर्ड, जो कि यह बूफर पावर सप्लाई बोर्ड है। यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ पर बूफर पावर सप्लाई बोर्ड। ठीक है, ये एलजी टीवी में था। बूफर सिर्फ बूफर आईसी के लिए, दो आईसी लगा हुआ था उसमें, उसको पावर सप्लाई देने के लिए ये पावर सप्लाई वहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं ये आज इस वीडियो में सिर्फ ये पावर सप्लाई के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में उस बूफर को भी मैं लाके चला के दिखाऊंगा। ठीक है, और बूफर का जो सर्किट है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे लाइन इन होता है, इस तरह से लाइन दिया जाता है। उसके बाद ये लाइन फिल्टर होके यहाँ पे एक रिले दिया गया है। इस रिले के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डायोड दिया गया है। डायोड होके ये फिल्टर कैपेसिटर में आता है। ये फिल्टर कैपेसिटर का वैल्यू देखिए 330 UF 450 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एसटीआर दिया गया है। एसटीआर का नंबर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए STR F6654 नंबर का है, बड़ा वाला एसटीआर है। ठीक है, जो कि एलजी कंपनी का है। एलजी कंपनी के सर्किट में जो एसटीआर दिया जाता है वही एसटीआर यहाँ पे अभी लगाया गया है। ठीक है, और इसके बाद ये ग्रीन कलर का जो है ये चोपर ट्रांसफार्मर, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर 2200 या 50 वोल्ट का कैपेसिटर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड दिया गया है, जो कि आईसी के जैसे मॉस्फेट के जैसा दिखता है ये डायोड। ठीक है, इसको यहाँ पर यूज किया गया है, ये देखिए। ठीक है, एक बार मैं पीछे साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ से पावर इन होता है, उसके बाद ये लाइन फिल्टर होके ये सीधा डायोड होके ये फिल्टर कैपेसिटर में जाता है। उसके बाद ये चोपर ट्रांसफार्मर से होके, उसके बाद यहाँ पे देखिए एसटीआर का जगह यहाँ पे है। एसटीआर से होके ये चोपर ट्रांसफार्मर से होके वोल्टेज आउटपुट होता है। यहाँ पे वो डायोड, जो डायोड के मैं बात कर रहा हूँ, तो ये है वो डायोड, इसके थ्रू ये वोल्टेज आउटपुट होता है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे देखिए 32 वोल्टेज। ठीक है, और ग्राउंड मतलब एक ही वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होता है, जो कि ये पावर सप्लाई एम्पलीफायर पावर सप्लाई, जो बूफर पावर सप्लाई यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए बूफर पावर सप्लाई बोर्ड। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको चला के दिखाऊंगा। इसका जो बूफर सर्किट है उसको भी मैं ला के वीडियो बनाऊंगा और साथ में चला के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।